Namaskar. आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पुष्पा सुब्रमण्यम जी, हमारे शेखर मांडे जी, डीजी सीएसआईआर के दीपक सूद जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, असल में मैं यहाँ आने वाला नहीं था, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए कल हमारे सेक्रेटरी को पता चला कि तबीयत ठीक है, और उसी तरह से कल कहा गया कि एक एग्जीबिशन है, आपको जाना होगा, और मुझे पता चला कि हमारा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, उसी तरह से मैं पहुंचा हूं, और ऑर्गेनाइज़र को और ऑर्गेनाइजर से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद कहता हूं, और हमारी जो डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत से हम लोग काम कर रहे हैं, और ये सही बात है, हमारी डिपार्टमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिना खाए हुए तो कोई नहीं रह सकते हैं, लेकिन बाज़ार में कोई भी सामान निकल जाते हैं, और अपना डिपार्टमेंट हम लोग रिसर्च करके, जैसे आज यहाँ हमारे जो साइंटिस्ट है वो नए नए प्रोडक्ट निकलाए हैं, और इसके खाने से क्या फ़ायदा होता है उन्होंने यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हैं, तो मैं यहाँ के एग्जीबिशन में आए हुए सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद कहता हूँ, जो साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद कहता हूँ, और एग्जीबिशन जैसे हमारे हर्षवर्धन जी ने कहा कि एग्जीबिशन कम से कम 3 दिन या चार दिन चलने काम था, लेकिन एक दिन के लिए ये हॉल बुक किया गया था, तो मैं ऑर्गेनाइजर से मैं कहना चाहता हूँ कि इसका और एक दिन कम से कम एक्सटेंशन हो जाए, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और जैसे कहा कि फरवरी में नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाली है, अब मैं कोशिश करूँगा उसमें रहने के लिए, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो फल मूल है या साग सब्जी है ज़्यादातर ऑर्गेनिक होती है, और मैंने जहाँ भी मीटिंग की हैं जो फूड प्रोसेसिंग के काम कर रहे सभी को लोगों को कहते हैं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट आइए, नॉर्थ ईस्ट में अपना इंडस्ट्री लगाइए, और अपना इंडस्ट्री लगाने से क्या है कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा इंडिया के लोग ऑर्गेनिक खाए, और हमारी डिपार्टमेंट भी चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों को हम लोग ऑर्गेनिक खिलाएँ, इसीलिए हम लोग हर एक मीटिंग में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आप आइए, वहाँ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाइए, और हमारे डिपार्टमेंट तरफ से हम लोग जितना सके हेल्प करेंगे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हम लोग कम से कम 50% सब्सिडी देते हैं, आपका 100 करोड़ का है तो हम लोग 50 करोड़ अपना डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं, लेकिन आप दिल्ली में लगाते हैं तो 35% ही हम देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो 15% हम लोग ज़्यादा देते हैं, उसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट की एक बड़ा स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत करीब 7 स्कीम आती है जिसमें मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, कोल्ड चेन, ऐसे करके करीब 7 स्कीम हैं, और कोई अगर नॉर्थ ईस्ट में मेगा फूड पार्क लगाना चाहते तो हम लोग कम से कम 75% सब्सिडी देते हैं, तो इस तरह से सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, जो पर्वतीय जो स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी अगर कोई इस तरह से इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम लोग 75% सब्सिडी देते हैं, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं अपना डिपार्टमेंट तरफ से, और आज यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है, मैं एसोचैम की सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद कहता हूँ, और आशा करता हूँ भारत के विभिन्न जगह में इस तरह से आप लोग एग्जीबिशन लगाइए, और हमारे डिपार्टमेंट तो हेल्प करेंगे क्योंकि ये डिपार्टमेंट की काम ही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के फूड के नए जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको कैसे हम लोग
प्रमोट कर सकें, तो ये डिपार्टमेंट की काम ही है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप लोग आज इस प्रोग्राम में आने के कारण से आप लोगों सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद कहते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।